हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर सिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे बेसिक इंग्लिश में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो हमें चाहिए, जिससे हम बोल सकेंगे, जिससे आप कुछ लिख सकेंगे या किसी भी टॉपिक पर लिख सकेंगे या फिर किसी परिस्थिति को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और इसके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, चलना पड़ रहा है, चल नहीं पाऊँगा, नहीं आ सकूँगा, कभी कभी मैं भी, या फिर देखते ही देखते, अगर ऐसा होता है तो, या फिर मुझे भी ऐसा लगता है, इन सब चीज़ों को मॉर्निंग टू इवनिंग हम लोग यूज करते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे अंत तक देखें। शुरू करते हैं और बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जैसे मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। जब भी आपको कोई मजबूरी को एक्सप्रेस करना पड़े, और वो भी कंटिन्यूअस में, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है टेंस का। कोई भी कार्य कंटिन्यू है, कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, जारी है, आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, मतलब ईच हुआ, आर है, उसके बाद फिर एम है, और उसके साथ फिर हैविंग टू का प्रयोग करना है, हैविंग और टू, और उसके बाद में वर वन। इसका मतलब है कि हैविंग के बाद में इन्फिनिटिव का यूज करना है, जब भी कोई काम आपको करना पड़ रहा है। तो जैसे सेंटेंस आप देखेंगे कि मुझे पैदल चलना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे यह काम करना पड़ रहा है, मुझे उसके यहाँ जाना पड़ रहा है। जब भी आपको कोई काम करना पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में ई जा रहे हैं, उसके बाद में हैविंग टू, और उसके बाद वर वन का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे पैदल चलना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू वॉक ऑन फुट। नेगेटिव अगर बोलना है तो आई एम नॉट Having to walk on foot। अगर आपको interrogative sentence बोलना है तो am I having to walk on foot, इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा sentence है, मुझे भूखे रहना पड़ रहा है, मतलब ये काम भी मजबूरी में हो रहा है, विवशता पूर्वक हो रहा है कि किसी को भूखा रहना पड़ रहा है। जैसे He is having to stay hungry। He is having to stay hungry। उसे भूखा रहना पड़ रहा है। कुछ भी बोल सकते हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, मुझे मैथ्स सीखना पड़ रहा है, कुछ भी आप इस तरह से बोल सकते हैं। नेगेटिव इंटरगेटिव भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ही इज नॉट हैविंग टू स्टे हंग्री, उसके बाद इंटरगेटिव में इज ही हैविंग टू स्टे हंग्री, ऐसे आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार हम दूसरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जब भी आप कोई काम फ्यूचर में कर पाएंगे, एबिलिटी को दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा काम कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को देख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर वाली बात है, तो सब्जेक्ट के साथ में आप विल बी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद एबल टू का प्रयोग करेंगे, एबल टू, और उसके बाद वर वन, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अब और नहीं चल पाऊँगा, किसी को बोल रहे हैं कि मैं अब और चल नहीं पाऊँगा, किसी को हम बोल रहे हैं, अपनी असमर्थता बतला रहे हैं, इन एबिलिटीज़ को बता रहे हैं, इन कैपेबिलिटीज़ को बता रहे हैं, जैसे मैं अब और चल नहीं पाऊँगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर, आई विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर, ऐसे बोलेंगे। मैं आपको मदद नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं आपको मदद कर पाऊँगा, अगर ऐसा बोलना है कि मैं आपको मदद कर पाऊँगा तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, ऐसे बोलेंगे। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे, फ्यूचर की बात है, तो हम क्या बोलेंगे, विल यू बी एबल टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर में कोई काम कर पाएंगे, उससे हम इस तरह से बोलेंगे। लेकिन वही अगर आपको बोलना हो कि मैं आपको मदद कर सकूंगा या मैं मदद नहीं कर सकूंगा, वो कैसे होगा, इसी वीडियो में आपको हम अंत में बतलाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे रूल नंबर 3 है, अगर ऐसा होता है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कभी कभी हम कंडीशनल सेंटेंस को बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो उसके लिए छोटी सी बात आप याद रखेंगे, जैसे इफ़ इट हैपेंस सो, आप इतना याद रखेंगे, इफ इट हैपेंस सो, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो, और उसके बाद फिर सेंटेंस चाहे जैसा भी हो,
सेंटेंस चाहे जैसा भी हो आप लिखेंगे, अगर ऐसा होता है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, इफ इट हैपेंस सो आई विल नॉट टॉक टू यू, ऐसे बोलेंगे। अगर ऐसा होता है तो आज बारिश होगी, अगर ऐसा होता है तो तुम मेरे यहाँ मत आना, अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाऊंगा, अगर ऐसा होता है तो आज सवेरे चला आएगा। तो इस तरीके से कुछ भी अगर आप बोलना चाहते हैं तो बस छोटी सी बात को ही याद रखना है कि इफ इट हैपेंस सो, और उसके बाद आप सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा। कुछ सेंटेंस को तो हमेशा प्रैक्टिस करके जुबान पर रख लीजिए, जैसे इफ़ इट हैपेंस सो आई वॉन्ट स्पेयर एनी बडी। स्पेयर का मतलब होता है कि माफ़ करना, बख्श देना। तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा अगर ऐसा होता है तो बस याद कर रखना इस सेंटेंस में कि इफ़ इट हैपेंस सो, अगर ऐसा होता है तो। और उसके बाद फिर किसी भी सेंटेंस को आप लिखेंगे, निगेटिव भी आप बोल सकते हैं, जैसे ये तो खुद नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तभी मैं आपके यहां आऊंगा, तो इफ इट हैपेंस सो आई विल कम टू यू, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद फिर और सेंटेंस को देखते हैं, रूल नंबर 4 को देखते हैं। जैसे मुझे लगता है कि कोरोना हमेशा रहेगा, इसमें जो आपको याद रखना है बस याद रखिए कि इट सीम्स टू मी डैट, इसको याद रखना है। और प्लस आप सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप जो बोलना चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसे इट सीम्स टू मी डैट, मुझे ऐसा लगता है कि, इट सीम्स टू मी डैट, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना विल एग्जिस्ट फॉर एवर। मान लीजिए कि कोई किसी की स्थिति जो है, मौजूदगी जो है, हमेशा के लिए रहेगा, कोरोना की स्थिति, तो कोरोना हमेशा रहेगा, कोरोना विल एग्जिस्ट फॉर एवर का मतलब हमेशा रहेगा। लिव का प्रयोग ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, तो एग्जिस्ट का प्रयोग करेंगे, मतलब वो उसकी जो वजूद है हमेशा के लिए रहेगा, और इसके लिए एग्जिस्ट का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी, हम पॉसिबिलिटीज को बता रहे हैं, तो इसमें भी याद रखेंगे इट सीम्स टू मी डैट, मुझे ऐसा लगता है कि, और उसके बाद इट विल रेन टुडे। लेकिन किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से बोला जाता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि आई थिंक का प्रयोग भी बोल सकते हैं, आई थिंक इट विल रेन टुडे, ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल तरीके से भी, लेकिन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट सीम्स टू मी डैट, ऐसा भी बोला जाता है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं रूल नंबर 5, कभी कभी मैं भी चाय पीता हूँ, कभी कभी मैं भी उससे मिल लेता हूँ, कभी कभी मैं भी गाना गा लेता हूँ, कभी कभी आप भी कुछ गाना गा लेते हैं। इस तरह से आप कुछ भी अगर बोलना है आपको तो आप इसमें क्या करेंगे, समटाइम्स तो यूज करेंगे ही, उसके बाद इवन का प्रयोग कर देंगे, और फिर प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस मतलब इवन का प्रयोग यहाँ पर जो है वो आपको सब्जेक्ट से पहले ही लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है कि कभी कभी मैं भी, कभी कभी आप भी, कभी कभी वो भी, कभी कभी वे लोग भी। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आए तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे समटाइम्स, जैसे कभी कभी मैं भी चाय पीता हूँ, समटाइम्स इवन आई टेक टी, समटाइम्स इवन आई टेक टी, कभी कभी मैं भी चाय पीता हूँ, कभी कभी तो तुम भी मुझसे नाराज हो जाते हो, कभी कभी तुम भी मुझसे नाराज हो जाते हो। फिर हम क्या करेंगे, समटाइम्स इवन यू गेट एंग्री विद मी, कभी कभी आप मुझसे नाराज हो जाते हैं, आप भी नाराज हो जाते हैं। कभी कभी वह भी ड्रिंकिंग कर लेता है, कभी कभी वह भी झूठ बोल लेता है, कभी कभी वह भी मुझसे मिलने आ जाता है, कभी कभी तो मास्क वो भी लगा लेता है, ऐसा कुछ भी बोलना हो तो आप समटाइम्स उसके बाद इवन का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 6 में देखेंगे, देखते ही देखते। अब इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जब भी कोई काम पलक झपकते ही कुछ हो जाता है, देखते ही देखते कुछ घटित हो जाता है, या फिर ऐसे भी आपको बोलना है, करे देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया, तो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसका रियल जो मीनिंग है वो मीनिंग है कि क्विक एंड फास्ट कुछ घटित हो जाता है। तो जैसे देखते ही देखते उसने छत से छलांग लगा दी, तो she jumped off the roof in the twinkling of an eye, देखते देखते उसने वह छत से कूद गए। उसके बाद है देखते ही देखते कोरोना पूरे विश्व में फैल गया, देखते ही देखते कोरोना पूरे विश्व में फैल गया, तो हम क्या करेंगे, कोरोना ब्रोक आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, कोरोना COVID-19 ब्रोक आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड मीन्स होता है पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। तो कोरोना ब्रोक आउट अक्रॉस द वर्ल्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, देखते देखते कोरोना पूरे विश्व में फैल गया।
तो जब भी आपको लगता है कि कोई भी काम बहुत जल्दी हो गया, पता नहीं चला कितना जल्दी फैल गया, तो इस कंडीशन में इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 7 में देखते हैं कि मैं कल तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकूंगा। जैसे मैं इससे पहले आपको बताया था कि कोई काम कर पाऊंगा, सेम होगा कोई, जैसे आप कोई काम कर सकेंगे या फिर काम कर पाएंगे, ये दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल सेम है इसको, कि दोनों में हम फ्यूचर एबिलिटीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं कि कोई काम कर सकेंगे या फिर कोई काम कर पाएंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यूज़ क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ में वही आपको क्या करना है, विल बी एबल टू का प्रयोग करना है, विल बी एबल टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट का मतलब विल बी एबल के बाद में इन्फिनिटिव प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे मैं कल तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू यू टुमारो। किसी के यहाँ आने की बात अगर है तो हम टू यू करेंगे, जैसे टू यू मीन्स होता है आपके यहाँ, टू मी का मतलब मेरे यहाँ, टू हिम उसके यहाँ, टू हर उसके यहाँ, टू देम उसके यहाँ, ऐसा बोल सकते हैं, याद करना होगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू यू, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकूँगा या फिर नहीं आ पाऊँगा, दोनों बराबर है। वह तुमसे शादी नहीं कर सकेगी, अब यहाँ पर इन एबिलिटीज़ को बताते हैं कि वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। शी विल नॉट बी एबल टू मैरी यू, शी विल नॉट बी एबल टू मैरी यू, वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। तो इसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं, बहुत सारी सेंटेंस को बना सकते हैं। हम अब वही पढ़ाएंगे जो अभी आपको बेसिकली जो इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए जो सीखना होता है, अब हम उसी चीज़ को रेगुलरली ले चलेंगे। जरूरी है कि आप हमेशा बने रहिए और कुछ सीखिए। अब क्या है कि आप देखते हैं कि आज का सवाल क्या है, आज का क्वेश्चन है क्या आप कल आ सकेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कल आ सकेंगे, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम आपको अभी बता चुके हैं क्या आप कल आ सकेंगे या फिर क्या कल आप आ पाएंगे, इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम देखना चाहते हैं। आप कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि इससे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और इसी तरीके से हमारे प्रत्येक वीडियो को देखिए, सीखिए। अब आपको जो भी बताएंगे बिल्कुल बेसिक होगा और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, फिर रिटन इंग्लिश के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।